will love doing curves on this machine. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, दिस मी अविष्कार एंड आज हम है KTM भाकड़ेवाड़ी में टू चेक आउट द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी न्यू 2022 KTM RC390। तो आज के इस वीडियो में मैं एक फुल डिटेल्ड राइड रिव्यू करूंगा, इसका एक ओवरऑल व्यू बताऊंगा आपको कि क्या क्या चेंज किया है KTM ने इफ कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन RC390, क्या क्या नया अपडेट्स दिया है, क्या बेहतर हुआ है, क्या अच्छा नहीं है इतना, एंड ओवरऑल कितनी ज़्यादा बेहतरीन एंड ओवरऑल पैकेज में बेटर हुई है बाइक। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है। एंड बिफोर फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं वॉक अराउंड की एंड ग्राफिकल चेंजेस क्या क्या किए हैं KTM ने नई वाली RC390 में। तो ये जो है, इस गाड़ी को एक मेजर फेसलिफ्ट देखने के लिए मिला है, जो आपने कुछ महीने पहले रॉब भाई साहब ने रिव्यू किया था ऑस्ट्रिया में, इंटरनेशनल मार्केट में ये अनवील की गई थी। एंड उस टाइम रॉब भाई साहब ने ब्लू कलर के जो कलर है KTM फैक्ट्री ब्लू, उसको अनवील किया था। एंड दैट कलर वॉज सो अमेजिंग, KTM थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दैट सेम कलर इन इंडिया। सो अभी आपको दो कलर वेरियंट्स देखने के लिए मिलते हैं, एक है ये ऑरेंज रेसिंग ऑरेंज और एक है KTM फैक्ट्री ब्लू। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये ऑरेंज है, काफ़ी बेहतरीन लगता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें KTM का DNA देखने के लिए मिलेगा आपको। बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ द वन विच इज़ KTM फैक्ट्री ब्लू, एंड उसको हम राइड रिव्यू के टाइम में आपको उसका एक ओवरलुक दिखा दूंगा। एंड आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है, ये काफ़ी सिमिलर दिखती है KTM RC125 एंड 200 से, जो अर्लियर इस साल KTM ने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मार्केट में। एंड ओवरऑल चेंजेस जो हैं वो काफ़ी मेजर हैं। सो सबसे पहला चेंज और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूल टैंक का। सो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.5 लीटर से बढ़ के 13.7 लीटर हो चुकी है, जो टैंक है वो मेटल का हो चुका है। सो दैट इज़ अ एडेड एडवांटेज, आपको व्हील फ्यूलिंग साइकिल्स कम देखने के लिए मिलेगी, आपको एक फ्यूल रेंज काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, आपको बार बार पेट्रोल पंप नहीं विजिट करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ 390 cc। एंड इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इसमें 20 से 25 का आपको सिर्फ माइलेज देखने के लिए मिलता है। एंड उसमें 9.5 लीटर इज आई थिंक थोड़ा सा कम, जो KTM ने इम्प्रूव कर दिया है, नाउ इट्स 13.7 लीटर, दैट इज़ वेरी गुड इन माई ओपिनियन। एंड सेकेंड थिंग, इसमें मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड हो चुका है, जो कि हमको ऑलरेडी मिलता था एडवेंचर 390 में, जो ही इसकी ही एक सिबलिंग है। एंड उसके साथ यू गेट क्विक शिफ्टर प्लस MTC डुअल चैनल ABS एंड कॉर्नरिंग ABS एडेड इन दिस मशीन। सो वो इस मशीन को बना देता है 4 लाख के अंदर, ऑन रोड 4 लाख प्राइस के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट एडेड इलेक्ट्रॉनिक बाइक इन द इंडियन मार्केट। सो इस प्राइस में आपको कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं देती है जो KTM दे रहा है अभी आपको। एंड यू डू गेट द सेम TFT कंसोल जो आपको 390 एडवेंचर में देखने के मिलता था, इन दिस RC390 ऑल्सो। विद दैट द सिटिंग पोस्चर इज ऑल्सो चेंज, क्लिप ऑन चेंज हुए हैं, आपको सीट्स भी चेंज दिखने के लिए मिल जाएगी। सो अभी जो राइडर सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा अकोमोडेटिंग है। एंड पिलियन सीट जो है वो भी थोड़ी चेंज हुई है, नाउ इट गेट्स द प्रॉपर ग्रैब रेल्स फॉर द पिलियंस। बाय द वे, दिस बाइक इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर पिलियन राइडर्स, बट स्टिल ग्रैब रेल्स है तो सिटी राइडिंग में थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा वो। एंड जो मेरे को सीट लगी वो भी ज़्यादा अकोमोडेटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने के लिए भी लगती है। अभी जब हम चलाएंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि सीट का कंफर्ट कैसा है। एंड उसके साथ जो आगे इसका जो क्लिप ऑन दिया है वो भी थोड़ा चेंज हो चुका है, नाउ इट्स एडजस्टेबल, तो आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मतलब अगर आप ट्रैक पे जा रहे हैं तो आप ट्रैक के हिसाब से उसको फोकस कर सकते हैं, अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं तो सिटी के हिसाब से उसको फोकस कर सकते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। एंड उसके साथ इसमें आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर दोनों ही देखने के लिए मिलता है। एंड बात करते हैं अभी हेडलाइट सेक्शन की, तो इसमें अभी आपको फुल LED हेडलाइट देखने के लिए मिलेगी, विच लुक्स मेसमराइजिंग इन माई ओपिनियन। सो मैं अगर आपको अभी, इट्स क्वाइट डे लाइट तो आई डोंट नो दिखेगा या नहीं, बट दिस हैज़ दैट प्रॉपर LED हेडलाइट पोर्शन एट द फ्रंट विद द LED DRS जो RC200 में आपको देखने को मिलता है। दिस लुक्स फेनोमिनल इन माई ओपिनियन। एंड उसके साथ फ्रंट का सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, प्लस मिरर्स का जो विजिबिलिटी है, रियर व्यू मिरर्स का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। प्लस द इंजन इज़ द सेम 373 cc DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन विच प्रोड्यूसेस 37 Nm टॉर्क एंड 43.5 bhp।
390cc में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन एवर मेड इन इंडिया एंड इस प्राइस सेगमेंट में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है ये। एंड उसके साथ टायर्स की बात करूँगा तो आपको इसमें मेटजालेस की ग्रिप देखने के लिए मिलता है, 110 सेक्शन, 150 सेक्शन। एंड ब्रेक्स की बात करूँगा तो बाइब्रेक कैलिपर्स हैं आगे पीछे, 320mm का डिस्क ब्रेक आगे, 4 पिस्टन देखने के लिए मिलेगा आपको, एंड 230mm का आपको सिंगल पिस्टन पीछे डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, जो डुअल चैनल ABS के साथ स्टैंडर्ड आता है विद कॉर्निंग ABS एडेड एडवांटेज। तो ये था इसका एक ओवरऑल ओवरव्यू। अभी इसको चलते हैं, राइड करते हैं, देखते हैं राइड कैसा है, कम्फर्ट कैसा है, ओवरऑल इसका ज्योमेट्री कैसा है एंड आपको चलाते हुए कैसी लगती है। सो लेट्स स्टार्ट विद राइडिंग। सो दिस राइट हियर इज द फैक्ट्री ब्रू करो फ्रॉम KTM एंड यही जो कलर था जो रॉक भाई साहब ने रिव्यू किया था एंड इसका ही हम राइड रिव्यू करने वाले हैं। सो ये कलर मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज दिस हैज़ दैट यू नो डार्किश ब्लू टोन विद द ऑरेंज KTM, लुक्स वेरी गुड इन माई ओपिनियन। सो लेट्स हॉप ऑन टू दिस मशीन एंड गिव इट अ स्टार्ट। सो दिस right here is the brand new cockpit view and you have a brand new TFT console which is welcoming you and fit and finish is just amazing. yahan pe aapko bahut sare buttons dekhne ke liye mil jate hain just to go through and toggle between the menus and the functions in the instrument console. the mirrors are giving you a very good view what's running behind. the switchgear quality is very good. the only thing which is missing in my opinion is a dedicated hazard light switch which can be added. तो वो एक चीज़ लगा जो एक बहुत छोटा सा एक डाउन साइड लगा मेरे को। सो क्रैंक करते हैं गाड़ी को एंड यू डू गेट अ न्यू एग्जॉस्ट विच आई मिस्ड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो। सो ये एक नया एग्जॉस्ट है जो KTM ने सिर्फ RC390 में दिया है एंड ये इंटरनेशनल मॉडल से ही आया हुआ है। सो दिस लुक्स वेरी गुड, साउंड्स क्वाइट द सेम। एंड apart from that this tank extension the tank also looks very good. so this is fully metal and ye jo hissa hai ye fiber hai, this is fully metal and iska extension andar tak bhi hua hai. and seat height ki baat karunga this is still around 3835 ish something sort of, i'm not sure but agar aap 57 and above hain to aap isko aaram se chala sakte hain. plus the clip-ons are quite comfy in my opinion. so let's go down and we'll connect to that road. so this do get a slipper clutch also. the headlight is quite nice. the handlebars is also pretty wide, kafi comfortable hai. seat jo hai kafi accommodating hai. you can do lean down also and comfortable riding posture also in the city if you want to do it. plus the pickup is again very good, very good pickup is very nice. obviously that's a 390cc and you can do rev matching without any issues. plus the traction control should work flawlessly because Adventure 390 में भी ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी अच्छा काम करता है इफ़ यू लाइक कंसिडर द प्राइस जिस प्राइस में आता है मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल. प्लस दिस इज़ वेरी इजी टू मनूवर, डजेंट फील टू हैवी एट ऑल. सो दिस इज़ अंडर 200 किलोग्राम. सो आई थिंक सो समवेयर अराउंड 160-170 के बीच में होना चाहिए इसका वेट. एंड वील टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर. आई जस्ट लव द मिरर्स मैन. प्लस द सिटिंग पोस्चर इज जस्ट सो अमेजिंग, यू विल लव डूइंग कर्व्स ऑन दिस मशीन. and brakes are flawlessly good man, flawlessly good. plus ये जो TFT console है अपने आप black and white होता रहता है and you can again आप इसको customize वगैरह कर सकते हैं according to your taste, आपको कैसा चाहिए. I just love the sitting posture and the seat of the new 390 RC because काफ़ी ज़्यादा comfortable है and solo riding के लिए बहुत ज़्यादा amazing है. you will love doing curves on this machine, highway riding on this machine, so that's something which is I think was missing in the previous RC. प्लस काफ़ी लोगों को लाइक पुरानी वाली आरसी के लोग ज़्यादा पसंद थे, इस वाली आरसी के लोग ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट दैट इज़ पर्सनल प्रेफरेंस. मेरे को आप पुरानी वाली आरसी भी बहुत अच्छी लगती थी, ये वाली आरसी बहुत अच्छी लगती है. प्लस द परफॉर्मेंस इज जस्ट अमेजिंग मैन, जस्ट अमेजिंग.
You can just open the throttle and this bike will get a wide smile on your face. Wherever you are, highway ho, city ho, kahin pe bhi ho, this will amaze you with its power. Plus KTM ka jo after sale service hai, wo bhi kafi zyada acha hai. You have a good connectivity of the service center across India. People have done Ladakhs and extreme terrains on the motorcycles. I'm not just talking about the RCs, but overall KTM as a brand. And jo technical advancement hai, plus jo inka electronics addition ho raha hai, wo bhi kafi zyada acche level pe hai. So that is amazing again. So now we'll head back to KTM Vakdewadi. And a big thanks to them for providing me this vehicle to review it for you guys. So, agar aapko koi bhi doubt hai, koi bhi query hai related to the RC390, do let me know in the comment sections below. I would love to help you out if you have any sort of query. And agar aap interested hai ye bike lene mein, I'll drop down KTM Sai Service number in the description section and this part of the video also. They have 4 showrooms in Pune, Vakdewadi, Burn Garden, Kharadi and Aundh. चारों का नंबर दे दूंगा, जहाँ पे भी रहते हैं आप उनको कॉल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं गाड़ी. जब भी अवेलेबल होगा यू विल गेट योर डिलीवरी. दे आर वन ऑफ द बेस्ट डीलर्स ऑफ KTM इन पुणे. सो वी आर हेडिंग बैक टू Vakdewadi KTM एंड आई एम इन जस्ट लव विद दिस मशीन मैन. सो गुड मैन. सो आई एम गोना रिटर्न दिस राइट ओवर हियर. And this looks, runs, feels very good. And overall, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी इसमें. The only thing which I think is lacking is the sound of the exhaust. But I think that's acceptable because of the BS6 norms. आप उसको ज़्यादा मतलब बेसी नहीं बना सकते. And overall, गाड़ी का performance, comfort, looks एक पूरा अच्छा पैकेज है. एंड प्राइसिंग की बात करेंगे तो दिस इज़ 378,000 ऑन रोड पुणे राइट नाउ अवेलेबल. अभी इसका प्राइस 3.78 है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन बुक दिस मशीन. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.